मुरादाबाद में रहने वाले टिंकू की शादी नहीं हो पा रही थी। इसकी कई वजह थी। एक तो टिंकू की लंबाई कम थी और फिर उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी। टिंकू की माँ अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। उसने अपने आस पड़ोस की सभी औरतों से कह रखा था कि अगर लड़की मिले तो बताना, लेकिन अभी तक टिंकू के लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। टिंकू की माँ एक दिन औरतों के बीच ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट्स के बारे में सुनाई और टिंकू से बोली, टिंकू बेटा, मैंने सुना है कि आजकल ऑनलाइन भी रिश्ते हो जाते हैं, तू अपने लिए ऑनलाइन लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेता। अपनी माँ के कहने पर टिंकू ने 3-4 मैट्रिमोनी साइट्स पर अपनी आईडी बना ली और कई लड़कियों को मैसेज भी किया, लेकिन टिंकू के पास किसी लड़की का रिप्लाई नहीं आया। टिंकू ने सोचा कि ऑनलाइन ही उसकी किस्मत साथ नहीं देने वाली, लेकिन एक दिन टिंकू खुशी से झूम उठा जब सोनी नाम की एक लड़की का उसके पास मैसेज आया। माँ, आज एक लड़की का मैसेज आया है, उसने लिखा है कि उसे मेरी प्रोफाइल पसंद है, उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है। तो बेटा, देर किस बात की है, गणेश जी की फोटो के साथ जल्दी से अपना नंबर दे दो। टिंकू ने सोनी नाम की लड़की से व्हाट्सएप पर लंबी बात की। काफी दिनों की बातचीत के बाद भी लगे सोनी ने ना तो प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी फोटो लगाई और ना ही अपनी कोई फोटो रिंकू को सेंड की। मम्मी, ये लड़की रामपुर की है, ये बातें तो खूब करती है लेकिन अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है। दिखाएगी बेटा, कुछ लड़कियां शर्मीली होती हैं, थोड़ा धैर्य रखो। एक दिन सोनी का मैसेज आया कि वो टिंकू से मिलना चाहती है। सोनी ने मिलने की जगह का एड्रेस भी सेंड किया और मिलने के लिए रात का समय मांगा। माँ, ये कैसी लड़की है कि मुझे रात में मिलने के लिए बुला रही है। बेटा, हो सकता है दिन में कहीं काम करती हो, रात में बुला रही है सिर्फ इसलिए पीछे हटने की। बात पक्की करके आना। सोनी ने शहर के बिल्कुल बाहर रामपुर रोड पर किसी रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया था। टिंकू ऑटो से रामपुर रोड पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था। टिंकू ने सोनी को कॉल किया, लेकिन सोनी ने कॉल नहीं उठाया। सोनी ने एक टेक्स्ट मैसेज किया जिसमें लिखा था कि वो फोन पर बात नहीं कर सकती, सीधे मिलकर ही बात करेगी। उस रात मौसम कुछ बिगड़ गया, काले बादल छा रहे थे और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। ये एड्रेस तो मिल नहीं रहा, ऊपर से ये लड़की फोन भी नहीं उठा रही, किसी से पूछना पड़ेगा। इस समय रोड पर कोई भी नहीं दिख रहा है, किससे पूछूं? कुछ आगे जाने पर टिंकू को एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जाता हुआ दिखाई दिया जो डंडे के सहारे चल रहा था। टिंकू तेजी से चलता हुआ उस बूढ़े आदमी तक पहुंचा। सुनिए अंकल, क्या यहाँ कोई रेस्टोरेंट है? बूढ़े आदमी ने जब अपना चेहरा टिंकू की तरफ घुमाया तो टिंकू के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े आदमी की आंखों के गुल्ले थे ही नहीं, लग रहा था जैसे उसकी आंखें सफेद बर्फ की हैं। बूढ़ा आदमी पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आ गए, सोनी तुमसे शादी करना चाहती है। चलो मेरे साथ चलो चलो। बूढ़े आदमी ने कसकर टिंकू का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। 2-3 बार कहने पर भी जब बूढ़े ने टिंकू का हाथ नहीं छोड़ा तो टिंकू ने जोर से धक्का मारकर बूढ़े को गिरा दिया और वहां से भाग निकला। टिंकू लगभग 2-3 किलोमीटर तक दौड़ता ही रहा। वो तब रुका जब किसी लड़की ने उसे पीछे से आवाज दी, सुनो कहाँ भागे जा रहे हो? टिंकू ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूरी पर बिल्कुल बीच रोड पर एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो उसे आवाज दे रही थी। यहाँ आओ मेरी तरफ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। टिंकू ने देखा कि रोड पर तेज स्पीड में एक ट्रक आ रहा है। लड़की रोड के बीचों बीच खड़ी थी और बिल्कुल भी वहाँ से हट नहीं रही थी। टिंकू चिल्लाया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यहाँ आओ। इससे पहले कि टिंकू लड़की तक पहुँच पाता, टिंकू की आंखों